विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान में हैं। वो बुधवार को इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां उनका स्वागत पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और डिप्टी पीएम इशाक डार ने किया। एससीओ बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि देशों को बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आतंकवाद जारी रहा तो व्यापार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एससीओ का मकसद पूरा करने के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ना जरूरी है। इसके लिए एक दूसरे पर भरोसे और ईमानदारी की जरूरत है। एससीओ की बैठक के पहले पीएम शहबाज शरीफ ने एससीओ नेताओं के लिए डिनर रखा था। यहीं पीएम शहबाज और जयशंकर की मुलाकात हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में शामिल होने से पहले उन्होंने ग्रुप लीडर्स के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लिया।